हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेवन स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है। ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक है। ये स्टॉक को अभी अगर हम अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं, आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छा सा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसमें ऐसा भी स्टॉक है जो कि 100% तक का हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो में नहीं लिए हैं तो ये स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करके फिर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ भी इशू हो तो ज़रूर मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपका पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, यहाँ पे चैनल पे आके जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन में। जो पहला स्टॉक है, हम रूट मोबाइल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ये स्टॉक का रिजल्ट भी आ चुका है, बेहतरीन रिजल्ट आ चुका है। ये स्टॉक में अगर आप पोजिशन नहीं बनाए हैं तो इसमें आप बिल्कुल पोजिशन बना के चल सकते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है और स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, इसमें अपना जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वेटेज थोड़ा कम दीजिएगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो का 3 से 5% तक का दे सकते हैं। थोड़ा सा वेटेज कम देकर रखिएगा क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, अगर अभी का करंट सिनेरियो पे अगर ये स्टॉक में आप पोजिशन बना के चलते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल 46-47% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे 1606 का लेवल पे आप बाई करेंगे और इसका जो टारगेट रखेंगे 2349 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि आपको बहुत इजीली इसका टारगेट अचीव हो सकता है। अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है तो यहाँ पे 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आरओसी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 33 का आरओसी है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी 10% है। तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई 2389 था, अभी स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1609 पे ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि 700-800 करेक्शन हो चुका है यहाँ पे स्टॉक में। ठीक है, तो इसमें आप बिंदास अभी पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं तो यहाँ पे वैभव ग्लोबल है। वैभव ग्लोबल में जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, स्टॉक बिल्कुल एक फायर वैल्यूएशन पे आ चुका है। तो इस वैल्यूएशन पे अगर आप स्टॉक लेके चलेंगे अपना पोर्टफोलियो में, कोई भी रिस्क नहीं है, मुझे लगता है कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का आरएसआई देखिए कहाँ तक आ चुका है, 27 पे ऑलरेडी आरएसआई आ चुका है। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में बिल्कुल 50% से ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टॉक में एक 55% का करेक्शन हो चुका है। तो मैंने बहुत बार ये स्टॉक में बोला हूँ कि ये स्टॉक में हम बाइंग करके चल सकते हैं इस लेवल पे, लेकिन जिन्होंने इस लेवल पे बाय नहीं किया होगा, काफ़ी दिन से मैंने भी ये लेवल का बोल रहा था कि ये लेवल पे भी हम बाय करके चल सकते हैं बोल के, और जिन्होंने ये लेवल पे बाय किया है तो उनका भी लॉस हो रहा होगा, जिन्होंने ये लेवल पे भी बाय किया होगा उनको भी लॉस हो रहा होगा। लेकिन स्टॉक को होल्ड कीजिए, आप लॉस में है, लॉस बुक मत कीजिए इस स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी आप इस स्टॉक में पोजिशन बना के चलेंगे तो बिल्कुल इसको अगर ऑल टाइम हाई तक अगर लेके चलते हैं, यहाँ पे 122% का गेन मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक में हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जरूर इसका टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो कोई 100% गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो अगर हम 20 स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं तो उसमें एक स्टॉक कभी 1 साल 2 साल नहीं चलेगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें पेशेंस के साथ में होल्डिंग पावर भी होना चाहिए हमारा, तभी हम स्टॉक मार्केट में अच्छा से गेन ले सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट से गेन लेना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है स्टॉक को होल्डिंग पावर होना चाहिए और अच्छा सा स्टॉक को पिक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक में बिल्कुल हम पोजीशन बना के चल सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट भी इतना नहीं है, 0.14 का डेट है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे 58% का प्रमोटर का होल्डिंग है और मार्केट कैप देख लीजिए 7600 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 35% का आरओसी है, तो ये स्टॉक में भी अपना पोजिशन लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि टेस्टी वाइट है फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा मल्टीवैगर है, अभी तक अगर ये स्टॉक में अपने पोजिशन नहीं बनाया है फिर भी स्टॉक एक रेंज पे चल रहा है। ठीक है,
अभी इस रेंज पे आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। इसका जो टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई तक, अगर इसको आप ट्रैक करके चलेंगे स्टॉक को, यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं, आपको 67% का गेन मिल सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक है, मतलब एक मल्टी वैगर स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक में भी अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी हिसाब से देखेंगे ये स्टॉक में टेस्टी वाइट के बारे में अगर बात करेंगे, इतना परसेंटेज गिरावट के बावजूद भी देखिए स्टॉक में 62% का CAGR रिटर्न दिया है 10 साल में। एक बहुत बड़ा मल्टी वैगर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली स्टॉक भाग रहा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी बेहतरीन है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कुछ दिखा रहा है 10 साल में, अगर आप CAGR प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, यहाँ पे 36% का 10 साल में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रहा है। ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% CAGR में ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे 10 साल में। तो एक बेहतरीन कंपनी है। तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी एक बेहतरीन प्रमोटर का होल्डिंग है, 74% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, FI के पास में 3% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 22% का होल्डिंग है। तो ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको बहुत बढ़िया सा स्विंग ट्रेड में बहुत बढ़िया सा मुनाफा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि वेक्टर फूड है। फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में हमें बिल्कुल पोजीशन बना के चलना चाहिए। मैंने तो अपना पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अगर आपने नहीं रखा है ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। जितना दिन से करेक्शन हो रहा है, ये FMCG का स्टॉक है, इतना बड़ा करेक्शन इसमें नहीं होना चाहिए जितना हिसाब से हो रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है ना। अगर वेक्टर फूड के बारे में बात करेंगे, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ पे 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC अगर देखेंगे 21% का ROC है। तो इस हिसाब से प्रमोटर का होल्डिंग भी बेहतरीन है, 51% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे, यहाँ पे 0.30% का डेट है, और ऑल टाइम हाई की अगर बात करेंगे, यहाँ पे 630 है ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे 366 पे, मतलब एक बहुत बड़ा चीप वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आप ये स्टॉक में अभी भी पोजीशन बना के चलते हैं, अगर ऑल टाइम हाई तक अगर इस स्टॉक में आप बने रहेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई तक अगर लेते हैं, तो आपको 71% का गेन मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं ये स्टॉक में, तो भी यहाँ तक अगर लेके चलेंगे इस स्टॉक में, जो कि 465 का लेवल है, अगर वहाँ तक भी ये स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं, तो आपको 26% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 26% का गेन मिल सकता है अगर आप यहाँ पे 465 तक लेके चलते हैं। तो बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल कैप स्टॉक है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे इसका RSI भी 37-38 पे चल रहा है। तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ये स्टॉक को भी अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, एजिस लॉजिस्टिक है। अगर ये स्टॉक के बारे में बात करेंगे, काफी दिन से स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन किसी वक्त ये फिर से भागने लगेगा। उस टाइम पे आपको वक्त भी नहीं मिलेगा, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि ये स्टॉक में आपको पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे इस दिन यहाँ पे 3-4 कैंडल में कितना परसेंटेज का गेन मिला था देखिए, यहाँ पे देखिए 3-4 कैंडल पे डायरेक्टली 25% 26% तक का मूव दिखाया था। तो ऐसा किस दिन फिर भागने लगेगा ना ऑपरेटर, यहाँ से फिर डायरेक्टली स्टॉक को भगा के लेके जाएंगे, तो टारगेट बहुत इजीली हमें अचीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है टारगेट जो है इसका 383 तक लेके चल सकते हैं। अगर 383 तक अगर स्टॉक में आप पोजिशन बनाते हैं, तो आपको 90% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। अगर 90% गेन के लिए अगर आपको 1 साल भी लग जाए, अगर 1.5 साल भी लग जाए, मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ अगर 2 साल भी लग जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये 2 साल लगेगा। ये स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका वीकली चार्ट हम ओपन करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसका नेचर है। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे भी एक बार क्रॉस हुआ था, जब कोविड के टाइम पे 58% का गिरावट हुआ था, उसके बाद में कितना दिन लगा है स्टॉक में रिकवरी आने में, देखिए यहाँ पे 1.5 साल लगा है, 455 डेज लगा है, ठीक है। ये स्टॉक बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गिरावट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंटेज का गिरावट था, 17-18% का गिरावट था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक में कितना परसेंटेज का यहाँ पे गिरावट था, यहाँ पे 28% का गिरावट था, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में छोटा बड़ा करेक्शन होता रहता है, लेकिन जो मल्टीवैगर स्टॉक है ना, जो बढ़िया सा स्टॉक है ना, अपना ऑल टाइम हाई फिर से अचीव करते हैं। तो ये स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अपना पोर्टफोलियो में जरूर आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी आपको टारगेट अचीव हो सकता है।
अगर हम इसमें आरएसआई की बात करेंगे, यहाँ पे आरएसआई देखिए बिल्कुल, यहाँ पे आरएसआई आपको देखिए यहाँ पे 40 पे चल रहा है। 40 के हिसाब से आरएसआई के लेवल पे, लेवल भी तो देख लीजिए कौन सा लेवल पे चल रहा है, अभी बिल्कुल बढ़िया से लेवल पे चल रहा है। ठीक है, ये अपना पोर्टफोलियो में आप जरूर इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि कैम से, फ्रेंड्स ये काफी दिन से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक में भी आप बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं, स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैम्स में कैंप्स में रिजल्ट का डेट भी नहीं आया है तो, लेकिन अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे ये स्टॉक में 44% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया, जो कि 97,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, तो यहाँ पे 43,000 क्वांटिटी डिलीवरी उठाया गया जो कि 44% का डिलीवरी है। एक बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इसका आप देखेंगे मार्केट कैप के बारे में, यहाँ पे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका जब आरओसी है 47-45% का आरओसी है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे तो 45% का यहाँ पे आरओसी है। अगर डेट की बात करेंगे, यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात है डेट फ्री कंपनी है, एक रुपए का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 4,000 पे ऑल टाइम हाई की है, अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 2,600 पे। ठीक है, तो ये स्टॉक में जब ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा था, उस टाइम पे बाइंग करते जा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लेवल पे हमें बाई करना है। ठीक है, जब ऐसा लेवल पे हम बाई करेंगे तो ही हमें मुनाफा होगा। जब स्टॉक वहाँ पे मोमेंटम में होता है उस टाइम पे ट्रेडिंग किया जाता है, उस टाइम पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग करना भी प्रॉब्लम होता है, तो इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अभी का अगर करंट सिनेरियो पे अगर स्टॉक को आप लेके चलते हैं अपना पोर्टफोलियो में, देखिए यहाँ से अगर आप बाई करके चलते हैं, यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई तक अगर स्टॉक में आप पोजिशन बना के चलते हैं, आपको 52% का गेन मिल सकता है। एक बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है, 52% का अगर गेन मिलता है, अगर 1 साल भी लग जाए मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, बल्कि इतना दिन नहीं लगेगा जितना दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है ना स्टॉक, इतना दिन नहीं लगेगा। जब उस टाइम पे एक बढ़िया सा गेन हमें बहुत नियर अबाउट मिल सकता है इस स्टॉक में। लास्ट स्टॉक है जो कि दौलत, दौलत इन्वेस्टमेंट है, तो इसका नाम पहले था दौलत इन्वेस्टमेंट, अभी इसका नाम हो चुका है दौलत अग्रोटेक। तो इस हिसाब से अग्रोटेक इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक में अगर अभी भी आप पोजिशन बनाते हैं, क्योंकि काफी दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए स्टॉक जो भागता है ना उस टाइम पे बिल्कुल 2-4 दिन में आपका टारगेट अचीव कराएगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जिसे ऑपरेटर ने यहाँ पे माल उठाया है, तो फिर से यहाँ से जब उस टाइम पे माल यहाँ से उठाएंगे बिल्कुल बहुत जल्दी इसका टारगेट अचीव हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है फ्रेंड्स, अगर देखेंगे इसका मार्केट कैप के बारे में, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1,400 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखिए अभी 8.19 पे पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। आरओसी देखिए यहाँ पे 60% का आरओसी है। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए 74% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। तो ऐसा स्टॉक में अगर आपका पोर्टफोलियो में रहेगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन स्टॉक है, आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आप देखेंगे स्टॉक में इतना बड़ा सा करेक्शन के बावजूद भी 10 साल में यहाँ पे 41% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, 5 साल में यहाँ पे 100% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक में भी अगर आप पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं तो भी एक बढ़िया सा गेन हमें आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 7 स्टॉक था, ये 7 स्टॉक आप अपना पोर्टफोलियो में जरूर आप स्टडी करके ले सकते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक में आपको ही पोजीशन बनाना चाहिए फ्रेंड्स, आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, उसी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सा रिटर्न मिलेगा, लेकिन पेशेंस के साथ में आपको स्टॉक को होल्ड अगर करेंगे तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इमिडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आपने अभी तक भी कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया, अगर आपको उसके बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, आप मुझे जरूर, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे जरूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगा, यहाँ पे आप अगर न्यू है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू कैसे हम चार्ट वगैरह सेटिंग करते हैं, स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे सब डिफरेंट सब बताया हुआ है। ठीक है, मल्टीबैगर स्टॉक का यहाँ पे है ये किया हुआ है, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, जरूर आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।